दोनों लोगों को नैतिकता के आधार पर इस आंकड़े के जारी होने के 24 घंटे के अंदर इस्तीफा कर देना चाहिए था। ये आंकड़ा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फार्स है। सारे लोग इस पर आपत्ति कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। जातीय गणना की रिपोर्ट जब से जारी की गई है, लगातार बिहार में सियासत हो रही है और अब बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह का भी इस पे बयान आ गया है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि जिस तरीके से बिहार सरकार इस आंकड़े को पेश की है, उस हिसाब से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे पहले आप बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। रिपोर्ट एकदम फार्स है, कहीं कोई गया नहीं है। यह अलग बात है कि हम सांसद हैं तो मेरे घर जनगणना के लिए कर्मचारी आए थे यह दिखाने के लिए, यह कहने के लिए कि हम चैलेंज नहीं करें, हम शिकायत नहीं करें। लेकिन अगर आप गांव में जाकर लोगों से पूछेंगे तो 90% से भी ज़्यादा गांव में आपको लोग यही बताएंगे कि यहाँ कोई नहीं आया था। ये एक नीतिगत बात है, तो इस पे हमारी पार्टी की जो नीति होगी, हमारी पार्टी का जो निर्णय होगा, हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार ये है और ये सच्चाई है कि ये जो आंकड़ा जारी किया गया है ये एकदम फार्स है। किसी जाति को की संख्या बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है और किसी जाति की संख्या को, जनसंख्या को घटाकर भी दिखाया गया है, और कई जाति के लोगों को इसकी शिकायत है। यहाँ तक कि सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है कि उनकी जात की संख्या को कम कर दिखाया गया है। एक मिनट के लिए अगर हम एक वर्ग की जनसंख्या को सही मान लें, तो मैं मांग करता हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि अविलंब, क्योंकि उन्हीं लोगों ने कहा, राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने कहा, जेडीयू के नेता ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी होगी। तो जिस वर्ग की सबसे बड़ी जनसंख्या है, रिपोर्ट जारी हुए कई दिन हो गए, 24 घंटा नहीं लगना चाहिए था दोनों लोगों को जो उच्च पदों पर आसीन है, चाहे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं या उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, दोनों लोगों को नैतिकता के आधार पर इस आंकड़े के जारी होने के 24 घंटे के अंदर इस्तीफा कर देना चाहिए था। नहीं किया तो अभी भी हम मांग करते हैं कि वो लोग इस्तीफा करें, और अत्यंत पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपें। लेकिन इन लोगों के पास नैतिकता का घोर अभाव है, और ये जो रिपोर्ट जारी हुआ है ये समाज को आपस में बांटने, कमजोर करने, तोड़ने के लिए, लोगों को लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हुआ है। ये आंकड़ा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फार्स है। सारे लोग इस पर आपत्ति कर रहे हैं, कहीं जब कोई गया ही नहीं तो फिर ये रिपोर्ट सही कैसे हो जाएगी, कैसे मान। आप लोग गांव में जाइए, आप लोग भी पत्रकार हैं, आप जिस गांव में रहते होंगे या आप अगर शहर में रहते हैं तो बताइए कि आपके घर में कब कौन गया। हो सकता है कुछ लोगों के घर में गया हो, जैसे मैंने स्वीकार किया बिल्कुल ईमानदारी से कि मेरे घर में लोग आए थे, लेकिन आम लोगों के घर में कोई नहीं गया है। सरकार ने अपने मुताबिक, अपने हिसाब से, अपनी इच्छा अनुसार आंकड़े बना लिए हैं और उसको जारी किया है। आपसे रिपोर्ट मांगी गई थी? रिपोर्ट नहीं मांगना होता है, मतलब लोग आए थे और पूछे कि कितने सदस्य हैं, डाटा कलेक्ट जो किया गया? डाटा है उनका, जो फॉर्मेट था उनका, मेरे घर तो आए थे, मैं इससे इनकार नहीं करता। बिहार में जाति की जनगणना जरूरी है या गरीब की? देखिए, वर्ग तो दो ही है और होना भी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा है कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब है, और मैं शुरू से इस बात को कहता आया हूँ कि वर्ग दो ही है, एक गरीब दूसरा अमीर। कोई भी सुविधा, कोई भी लाभ, किसी भी तरह का वेलफेयर, किसी तरह का जन कल्याण, ये
गरीबी के आधार पर उनको मिलने के लिए तैयार होना चाहिए, योजनाएं बननी चाहिए। अब मान लेते हैं कि किसी जाति का कोई व्यक्ति, वो अरबपति है खरबपति है, और किसी जात का कोई व्यक्ति अगर एकदम से निर्धन है, गरीब है, भूमिहीन है, तो जाति के आधार पर उस व्यक्ति को जो गरीब भी है उसको सुविधा नहीं मिले, और जाति के आधार पर अरबपति व्यक्ति को उन सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, ये कहाँ तक उचित है? ये बिल्कुल गलत है, ये न्यायोचित नहीं है, नेचुरल जस्टिस भी ये नहीं कहता। इसलिए यह समाज को जाति के आधार पर बांटने का जो काम राज्य सरकार कर रही है, मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ, इसकी आलोचना करता हूँ, इसका विरोध भी करता हूँ। तो आपने बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह को सुना, जो कि ये कहते हुए नजर आए कि ये गन्ना का जो रिपोर्ट है वो डोर टू डोर जाके पता चलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके पता चलेगा कि आखिर किसके कहाँ जाकर गन्ना की गई है या नहीं की गई है। आंकड़ों को लेकर वो एक बार फिर से सवाल खड़ा करते हुए नजर आए हैं, और यहाँ तक उन्होंने यह भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।